हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे नारियल से सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी नारियल की केक। इसे आप केक या मिठाई कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप कम समय और कम मेहनत में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इससे बड़े बच्चों सब चाव से खाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी केक बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक कच्चे नारियल लेना है, जिसका ब्राउन वाला पार्ट छिलन की सहायता से कट करके हटा लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं ताकि ये आसानी से पीस जाए। एक मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसका दरदरा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। फिर इसे एक बार चला लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो एक नारियल लिए हैं तो हमें यहाँ पर एक छोटे कटोरी से पानी ले लेना है, यानी कि इस चम्मच से हमें इसमें 7 से 8 चम्मच पानी ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे पानी डालकर और सारे नारियल को पीस लिए। इस तरह से बारीक हमें पाउडर बना लेना है। अब क्या करेंगे, इसका सारे दूध निकाल लेंगे। दूध निकालने के लिए यहाँ पर एक बर्तन लेंगे और यहाँ पर एक कॉटन रुमाल लेंगे। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं या आपके पास छननी है उसे भी आप इसका दूध निकाल सकते हैं। इसे अच्छे से सारा इसका दूध निचोड़ लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसे दबा दबा कर अच्छी तरीके से दूध निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारा दूध निकल गए हैं। और इसका जो भूसी है इस तरह से आपका निकल जाएगा। तो इसे आप कोई चीज़ में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें डालेंगे इस चम्मच से 4 चम्मच चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा, क्योंकि नारियल का भी मिठास होता है। और इसी चम्मच से 4 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप अरारोट भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर चीनी और कॉर्नफ्लावर डालने से जो हमारा काम है इजी हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब इसे गैस पे रख लेंगे और गैस पे रखने के बाद गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह से हमें इसे पकने देना है। तो आप देखेंगे 3 से 4 मिनट में अच्छे तरीके से जो दूध है गढ़े हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 से 4 मिनट मैंने इसे कंटिन्यू चलाते हुए और लो फ्लेम पर पकने दिए हैं और ये जो हमारा दूध है अच्छे तरीके से गढ़े हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे डीमोट कर लेंगे, जिस थाली में हमें जमने के लिए रखना है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर इस तरह से बर्तन लेंगे तो आप यहाँ पर जिस तरह से शेप देना चाह रहे हैं उस तरह से आप शेप दे सकते हैं। छोटे कटोरी में भी आप इसे रखकर जमा सकते हैं। आपके पास जिस तरह से बर्तन है उसमें आप इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बेटर किसमें ट्रांसफ़र कर लिए हैं और इसे अच्छे से बराबर कर लेंगे और इसे फ्रिज में रख लेंगे। तो 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे। आप इसे फ्रीजर में बिल्कुल मत रखिएगा। जब ये ठंडे हो जाएगा तो इसे फ्रिज में रख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इसे ठंडे कर लिए हैं और आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये सेट हो गए हैं। चलिए इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इसमें आपको चाकू को कुछ नहीं लगाना है, ये इजीली निकल जाते हैं। और आप देख सकते हैं जो हमारा बर्तन था उसमें मैंने घी या बटर कुछ ग्रीस नहीं किए थे, सिंपल ऐसे इसमें बटर को डाल दिए थे। और आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से ये सेट हो गए हैं। बस थोड़ा सा नारियल के बुरादे लेंगे और इसे गार्निश कर लेंगे। और ये लीजिए, सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी केक बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब इसे पहली बार मैंने बनाकर खाए थे तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था, इतना टेस्टी केक सिर्फ कच्चे नारियल और चीनी से बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप भी एक बार इसे बनाकर तैयार करेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो कॉमेंट लाइक शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।